हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक नई सी जगह जहाँ पे हम लोग आज विजिट करेंगे। ये किट यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है जिसका नाम है किम्स, यानी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जहाँ पे हम लोग मेडिकल स्कूल की या बोल सकते हैं कि MBBS की पढ़ाई होती है। और ये भुवनेश्वर में सिचुएटेड है, जो कि उड़ीसा का कैपिटल भी है। और यहाँ डेंटल का भी कोर्स ऑफर किया जाता है, जिसको किड्स बोला जाता है, यानी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस। तो अभी हम लोग यहाँ कैंपस में आए। ये जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, ये हॉस्पिटल है और ये किम्स हॉस्पिटल है। इसको प्रद्युमन बाल मेमोरियल हॉस्पिटल भी बोला जाता है। मैं इसके बारे में हिस्ट्री के बारे में कुछ बता देता हूँ। यहाँ के जो कॉलेज है या फिर आप बोल सकते इस यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर है अच्युता सामंता जी हैं। In 2004, construction of the college building was completed and the faculty was also appointed. Initially, पूरे कैंपस में गोडाउन एरिया था मैग्नेटिक कंपनी का, but in 2005, the new hospital building was completed and in 2006, the beginning of inspection process by the MCI and in June 2007, जो KIMS है, formally given permission to start MBBS course. तो दोस्तों, ये जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपका हॉस्पिटल है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रद्युमन बाल मेमोरियल हॉस्पिटल, अब किम्स हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है ये। और इसके जस्ट सामने में पहले यहाँ पे किम्स का पार्किंग होता था, बट यहाँ पे आप अभी जाएंगे तो यहाँ पर हॉस्टल बन के कम्प्लीट हो गया है, जो स्टूडेंट के लिए हॉस्टल है और G+ शायद 8 या 9 तक फ्लोर तक के लिए बना हुआ है। और दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूँ कि पहले जो ये यूनिवर्सिटी था उत्कल यूनिवर्सिटी के अंडर में आता था जो ये कॉलेज था, बट इन 2009 जो है ये किट यूनिवर्सिटी के अंडर में आ गया। और इन 2013 किम्स को परमानेंट एफिलिएशन फ्रॉम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से परमिशन मिल गया। ये रैंकिंग की बात किया जाए तो अकॉर्डिंग टू NIRF किम्स कॉलेज जो है वो ऑल ओवर इंडिया में 32 रैंक पे है। ये 2020 में जो रैंकिंग का सर्वे किया गया था उसके अकॉर्डिंग में 32 नंबर पे इसको रैंक दिया गया था। ये हॉस्पिटल जाने का रास्ता है, यहाँ से हम लोग हॉस्पिटल जा सकते हैं एंड दिस वे गोज टू डेंटल कैंपस। और आगे जाने पे हम लोग को हॉस्टल भी मिलेगा, तो डेंटल हॉस्टल के साथ इंजीनियरिंग हॉस्टल भी है। ये हमारा डेंटल कैंपस है, यहाँ पर डेंटल की पढ़ाई होती है और साथ में डेंटल का हॉस्पिटल भी है, चेकअप भी होता है। ये हमारा हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल, जिसका नाम KP9B है और इसके आगे जाने पे KP9A मिलेगा हम लोग को। और ये जस्ट KP9A के सामने में हमारी ग्राउंड है, जो बहुत ही खूबसूरत सा ग्राउंड है। यहाँ पे फुटबॉल भी आप खेल सकते हैं ग्राउंड में। ये देखिए, ये हॉस्टल है और ये KP9B है, यहाँ पे हॉस्टल जो है बॉयज़ हॉस्टल है। ये KP यानी किंग्स पैलेस जो है, जो किट यूनिवर्सिटी में KP किंग्स पैलेस और गर्ल्स हॉस्टल को क्वींस कैस्टल के नाम से बोला जाता है। ये देखिए, ये जो है आपका KP9A है, ये भी बॉयज़ हॉस्टल है और साथ में यहाँ डेंटल के भी और इंजीनियरिंग दोनों के बॉयज़ हॉस्टल है। और ये गर्ल्स हॉस्टल है डेंटल का और ये हमारा जो डेंटल का कैंपस है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस का। देखिए, यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ आपको कंस्ट्रक्शन का काम दिखेगा ही ये पूरे कैंपस में, किट कैंपस में, और हमेशा आपको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होते ही रहता है। ये हमारा डेंटल साइंस का कैंपस है। और सबसे ख़ास बात यहाँ पे ये है कि आपको हरियाली चारों तरफ से मिलेगी और फूल पौधे यहाँ लगाए जाते हैं, जो इसे खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। ये हॉस्पिटल है जो हम लोग एंट्री करते ही देखे थे, अभी इधर से देखते हैं सामने से ये कैसा दिखता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका जो व्यू है। और इसके जस्ट सामने इसी के जैसे एक और हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, जो 2020 में कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, इमरजेंसी वार्ड है
और इसके सामने जो है ये कोविड के टाइम में जो कोरोना हुआ था, तो उस समय यहीं पे एक कोविड के लिए लाए गए थे पेशेंट लोग को ये वाला कैंपस के अंदर में और रखा गया था। और जब इंडियन गवर्नमेंट ने ईच स्टेट में जाकर एरोप्लेन से फूल बरसाने का डिसीजन लिया था, तो उड़ीसा में यही जगह था जहाँ पे फूल बरसाया गया था कोविड वॉरियर के ऊपर। और अब इस कैंपस हम लोग निकलेंगे, सामने जाएंगे, हमारा जो हॉस्टल है, जो स्टाफ और स्टाफ के साथ साथ हमारा स्टूडेंट के लिए भी हॉस्टल बनाया गया है। ये जो अभी जाते ये कैंटीन है, मेडिकल लोग के लिए ये कैंटीन प्रोवाइड किया गया, 2-3 कैंटीन है जिसमें से ये भी एक कैंटीन है जहाँ आप आके ब्रेकफास्ट या डिनर लंच कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो बिल्डिंग है अभी न्यू बन के ही रेडी हुआ है, यदि आप यहाँ पे 4 या 5 साल पहले आए होंगे तो ये आपको चारों तरफ पूरा ओपन ग्राउंड ही दिखाई दिया होगा, बट अब यहाँ पे चारों तरफ से बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ी हो गई है जो, और इसको अच्छा व्यू भी देता है और साथ साथ इस कैंपस को और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी ध्यान रखा गया है कि खाली ग्राउंड भी अवेलेबल हो, दैट कोई भी स्टूडेंट को खेलने के लिए उनको स्पेस मिल पाए। ये देखिए कितना सुंदर ग्राउंड भी है, फुटबॉल के साथ साथ यहाँ पर लोग क्रिकेट भी आते हैं खेलते हैं। ये पीजी बॉयज़ हॉस्टल है और इसके जस्ट साइड में किम्स स्टाफ क्वार्टर है जो ब्लॉक ए है, और उसके साइड में जो हॉस्टल है वो किम्स बॉयज़ हॉस्टल ब्लॉक सी है। और जो यहाँ पे पहले आए भी होंगे तो उनको यहाँ बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगी, और एक साल के बाद और भी आप यदि दोबारा हम ट्राई करेंगे इसका फिर से वीडियो बनाने का, और आप लोग देखेंगे कि एक साल के बाद और भी ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस आपको दिखाई देगा, क्योंकि दिन पे दिन आपको कुछ ना कुछ चेंज होते ही रहता है और कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन बनते ही रहता है। कि पहले यहाँ पे ओपन ग्राउंड था, पार्किंग रहता था, यहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते थे, बट अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गया है और बिल्डिंग बन गई है, हॉस्टल हो या फिर कैंपस हो या ऑफिस हो, इस टाइप कुछ ना कुछ यहाँ पे काम चलते रहता है। और जो रोड पे अभी हम लोग चल रहे हैं इसको किम्स रोड बोला जाता है। और ये जो है किम्स चाइल्ड हॉस्पिटल है, यहाँ बच्चों की यहाँ पे दवा हुआ दिया जाता है, या मेडिकल स्टोर भी है यहाँ पे। दोस्तों आज हम लोग विजिट किए उड़ीसा का वन ऑफ द टॉप कॉलेज यानी किट यूनिवर्सिटी का पार्ट, किम्स हॉस्पिटल जो मेडिकल स्टूडेंट लोग के लिए है, और इसका पूरा कैंपस हम लोग देखे, यहाँ पे ग्राउंड के साथ हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, प्लेग्राउंड, हॉस्पिटल। दोस्तों आप लोग हमारे साथ ऐसे बने रहिए, आप लोग के लिए मैं हमेशा नए नए जगहों पर जाकर ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा और आप लोग को घुमाते रहूँगा।